नमस्कार पॉजिटिव भारत को स्वागत करुछु माधुरी प्रथमे हेडलाइंस भारत रे निवेश पाए विश्व को आमंत्रण कले प्रधानमंत्री विश्व आगरे रखिले भारत रे निवेश उपरे पांच स्तंभर आधार विवाद चेक रो पंचम संस्करण को संबोधित करी नूतन उद्भावन को प्रधानमंत्री देले गुरुत्व राज्य लॉकडाउन कटक आंशिक कोहल 17 जिले में सका 6 संध्या 5 जाए खोला रही अत्यावश्यक दुकान 13 जिले में सका 6 दिन गोटाए जाए दुकान खोल को अनुमति जुलाई 1 जाए नियम लागू देश में तलमुहा संक्रमण दिनक 62,224 नुआ केस चिन्हट 70 दिन पर देश में एक्टिव केस लोड 9 लक्ष तले 96% पाखे पहुंचला आरोग्य हार 3% पाखे पहुंचला दैनिक पजिटिविटी रेट नील अर्थनीति जाऊँ भारतर अर्थनैतिक शक्ति मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस तरफ डीप ओशन मिशन को अनुमोदन नील समुद्र को उपयोग कर देशर अर्थनीति को दृढ़ करिबा मोदी सरकार का लक्ष्य लागू है सुना अलंकार बाध्यतामूलक हलमार्किंग प्रथम पर्यायर देश में 256 जिले में कार्यकारी बिना हलमार्क चिन्ह गहना को जेलां को दे कर हलमार्किंग शिल्प वाणिज्य मंत्रालय घोषणा सवाड हेब अमानिया ट्विटर एणिक प्रत्येक ट्विट पर सीधा दायी रही प्लाटफर्म हर इंटरमीडियरी स्टेटस मिली कौन से आईनगत सुरक्षा भारत नुआ आईटी रूल न मानवा जो मिलपे दंड आसिया संपूर्ण खबर को करोनार द्वितीय लहर को सफलतार सह मुकाबला करुछि भारत देश में तलमुहा हो चली कोरोना ग्राफ देश में दिनक 62,224 नुआ केस चिन्हट हो गत 9 दिन धरी दैनिक संक्रमण 1 लक्ष तले रही आसुच्छेसह एक्टिव केस लोड्रे क्रमगत ह्रास रेकर्ड कर दीर्घ 70 दिन पर देश में एक्टिव केस लोड 9 लक्ष तौक खसी देश में वर्तमान एक्टिव केस लोड 8,65,432 रही देश में पॉजिटिव संख्या रे 2.29% केस एक्टिव रही गत एक मास धरी देश में चिन्हट होता आक्रांतों संख्या ठार आरोग्य संख्या अधिक रही क्रम में देशर आरोग्य हार बढ़ी बढ़ी पखापाखि 96% पहुंची सेपटे गोटे पटे देश में टेस्टिंग संख्या वृद्धि पाता बेले साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट रे लगातार ह्रास रेकर्ड कर देश में वर्तमान साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट 4.17% रही दैनिक पॉजिटिविटी हार 3.22% पाखे पहुंची गत 9 दिन धरी दैनिक पॉजिटिविटी रेट 5% तले रही आसंता काली राज्य में आंशिक लॉकडाउन 2 सप्ताह आंशिक लॉकडाउन लागू कर राज्य सरकार एने मुख्य शासन सचिव सूचना देते जुलाई 1 पर्यंत आंशिक लॉकडाउन बलवत्तर संक्रमण कमी 17 जिले में सका 6 संध्या 5 जाए कटक कोहल होता बेले 13 जिले में सका 6 दिन गोटाए जाए कोहल कर 30 जिला को 2 कैटेगरी रखी कटक कोहल कर 17 जिला को कैटेगरी ए एवं 13 जिला को कैटेगरी बी रे रखा जाय छे संक्रमण ह्रास पाइथिबा पश्चिम और दक्षिण ओडिसा रो 17 जिला कैटेगरी ए रे अंतर्भुक्त रही जिला गुड़िक कटक कोहल हो संक्रमण हार 5% तले 17 जिले में सका 6 संध्या 5 जाए कटक कोहल कर पश्चिम और दक्षिण ओडिसा जिला मैंने जो प्रथम कोविड संक्रमण आरंभ होता से सब जिला मानक द्रुतगति में कोविड संक्रमण ह्रास पाई अधिकांश जिले में वर्तमान कोविड संक्रमण 5% बाठ कम अच्छी किंतु तथापि अनेक जिला अच्छी विशेषतः उपकूल अंचल जो वर्तमान प्रतिदिन शह शह पॉजिटिव कोविड पेशेंट बाहर एवं ये सब कु आखि आगे रखी राज्य सरकार जो निष्पत्ति सब नहीं से विषय मु आपण मानक जनइबि आसंता काली सका 5टा पर राज्य सरकार डिसाइड करछन्ते
वर्तमान आंशिक लॉकडाउन राज्य रे लागू करा जिवो असंता 14 दिन पई जहाँ कि असंता काली अर्थात 17 जून सकाळ 5टा ठारु आरंभ करी 1 जुलाई सकाळ 5टा पर्यंत 2 सप्ताह पई आंशिक लॉकडाउन को एक्सटेंड कराला। असिया परवर्ती खबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विवाद टेक रो पंचम संस्करण को मुख्य अतिथि भाबे संबोधित करिसेंते। प्रधानमंत्री मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जरिया रे शामिल होई भारत रे निवेश पाई विश्व को आमंत्रण करिसेंते। प्रधानमंत्री कहिसेंते प्रतिभा बाजार पूंजी इकोसिस्टम एवं खोला बाजार संस्कृति एहि पांचोटी स्तंभ आधार रे भारत रे निवेश पाई प्रधानमंत्री आमंत्रित करिथिले। देशरे 775 मिलियन इंटरनेट ग्राहक अछन्ते जहां देशरे जनसंख्या रो अधिक दुनिया रे सबुठारु अधिक एवं सस्ता डाटा व्यवहार करथिबा देश भितरे भारत गोटिए बोली कहिथिले प्रधानमंत्री। आवर नेशन इज होम टू वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम्स। सेवरल यूनिकॉर्न्स हैव कम अप इन द रिसेंट इयर्स। इंडिया ऑफर्स what innovators and investors need. I invite the world to invest in India based on the 5 pillars of talent, market, capital, ecosystem and culture of openness. I believe where convention fails, innovation can help. This has been seen during the COVID-19 global pandemic, which is the biggest disruption of our age. All nations have suffered loss and felt anxiety about the future. COVID-19 put many of our conventional methods to test. However, it was innovation that came to the rescue. By innovation, I refer to innovation before the pandemic, innovation during the pandemic. When I speak about innovation before the pandemic, I refer to the pre-existing advances which help us during the pandemic. Digital technology help us cope, connect, comfort, console. Through digital media, we could work, talk with our loved ones and help others. खूब शीघ्र कोरोना विरोध रे आउ एक टीका आणिब सेरम। कोरोना विरोध रे नोवावैक्स रो टीका अत्यंत प्रभावशाली बोली घोषणा हेबार 2 दिन परे सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पक्षरु एने घोषणा करा जाय छे। सेप्टेम्बर सुधा भारत रे एहाकु लॉन्च करा जाय पाने सेरम पक्षरु सूचना दिया जाय छे। बुधवार सेरम सीईओ आदर पुनवाला कहिसेंते जे जदि केन्द्ररु निर्देश मिले तबे एही कोरोना टीका सेप्टेम्बर मास सुधा उपलब्ध हेबो। पुनवाला एहा मध्ये कहिसेंते जे सेमाने आसंता मासरु पिलामानक पई नोवावैक्स रो टीकार क्लिनिकल परीक्षा आरंभ करबाकु योजना करुछन्ते। आगे को खबर अभियान जारी रहिबो हेले समय होइछे एक कमर्शियल ब्रेक रा। परे स्वागत लागू हेला सुना अलंकारर बाध्यतामूलक हलमार्किंग। प्रथम पर्यायर देशर 256 टी जिलार हेबो कार्यकारी। बिना हलमार्क चिन्ह गहना को ज्वेलर को दे करा जाय पारिबो हलमार्किंग। शिल्प वाणिज्य मंत्रालय पक्षरु एभली घोषणा करा जायछे। जून 17 लागू हेला सुना अलंकारर बाध्यतामूलक हलमार्किंग प्रथम पर्यायर देशर 256 टी जिलार कार्यकारी हेबो। बिना हलमार्क चिन्ह गहना को ज्वेलर को दे कराई पारिबे हलमार्किंग।
शिल्प वाणिज्य उपभोक्ता व्यापार मंत्रालय तरफ घोषणा। मंगलवार अर्थात जून 15, 2021 सुना अलंकार एवं कलाकृति उपरे बाध्यतामूलक हॉलमार्किंग नियम जारी कले केंद्र सरकार। एहा जून 16 पर्यायक्रमे कार्यकारी करा जिवो एवं प्रथमे देशर 256 जिला रे कार्यकारी हेबो। शिल्प वाणिज्य उपभोक्ता व्यापार मंत्री पीयूष गोयल को अध्यक्षतारे अनुष्ठित बैठक परे ए बाबदरे निष्पत्ति निया जायछि। जनवरी 15, 2021 रु सारा देश रे सुना अलंकार रे हॉलमार्किंग बाध्यतामूलक करा जिवो बोली पूर्वरु नवंबर 2019 रु सरकार घोषणा करथिले, किंतु महामारी को दृष्टि रे रखी एहार समय सीमा जून 1 पर्यंत एवं परे जून 15 पर्यंत वृद्धि करा जायथिला। सुना हॉलमार्किंग हेउची मूल्यवान धातु शुद्धतार प्रमाणपत्र जहाँकि मूल्यवान धातुर शुद्धतार परिचय देथाय। ग्राहकों उत्तम सुरक्षा तथा संतुष्टता पाई सरकार उद्यम जारी रखिछंती। धारे जून 16, 2021 रु 256 जिले बाध्यतामूलक हॉलमार्क लागू हेबो। तेबे नियम लागू दिगरे अगस्त 2021 पर्यंत कोनसी दंड विधान करा जीव नाही बोली उपभोक्ता व्यापार मंत्री पीयूष गोयल बैठक परे ट्वीट करिछंती। तबे सरकार वार्षिक 40 लाख टंकार व्यवसाय करूतबा ज्वेलरी व्यवसायी को बाध्यतामूलक हॉलमार्किंग रु मुक्त करिछंती बोली बैठक परे जारी एक सरकारी विवृति रे कह जायछि। जेउ माने सरकार को वाणिज्य नीति अनुसारी अलंकार रप्तानी एवं आमदानी करंती ओ अंतरजातीय प्रदर्शनी पई उद्दिष्ट अलंकार तथा सरकारी अनुमोदित बी टू बी घरोई प्रदर्शनी आदि करंती सेमानंको मध्य बाध्यतामूलक हॉलमार्किंग रु मुक्त करा जायछि। तेबे पूर्वरु लोकमानंक पाखरे थिबा बिना हॉलमार्क चिन्ह गहना सेमाने संप्रुक्त ज्वेलर को देइ से सबको हॉलमार्क रे चिन्हित करि परिबे। विश्व सुना परिषद अनुजाई भारत वार्षिक 700 रु 800 टन सुना आमदानी करिथाय। ब्यूरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज। ए बाबदरे अधिक सूचना पाई मो सहित मो सहयोगी न्यूज रूम रे जोड़ी रहिछन्ते निहारिका नंद। निहारिका, जो कथा वर्तमान समय रे घोषणा करा जायछि सरकार को पक्षरु, विशेष करी सुना अलंकार रे किभलि हॉलमार्किंग को बाध्यतामूलक करा जायछि सरकार को पक्षरु, प्रकृत रे ये निष्पत्ति जो निया जायछि ताहा केते स्वागत उचक्य, ता सहित आउ गोटे कथा जाने को चाहिबो जे उपभोक्ता माने एने केते उपयोगी रहिबे। निश्चय भावे माधुरी जमी कहले यहाँ स्वागत योग्य कि नुहे, निश्चय भाव में कह वर्तमान पर भारत में 30% प्रतिशत लोक ओनली अलंकार उपरे थिला हॉलमार्किंग, किंतु वर्तमान पर जो निष्पत्ति नियागला केंद्र सरकार तरफ यूनियन मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर जी अच्छा पीयूष गोयल से आज जो निष्पत्ति नहीं वर्तमान पर सब गहना हॉलमार्किंग हम एटी कही रखुची जे ए हॉलमार्किंग सिस्टमटा हेउची सुनार विशुद्धता प्रमाण करिबा पाई, तेणु ए विशुद्धता प्रमाण हेले ही आमे कही परिबा जे विश्व बजार रे भारतर सुना को नै निश्चिंत भाव रे व्यावसायिक भित्ति रे इंप्रूवमेंट हेई परिबो, सेइटा हेउची प्रथम पॉइंट। आउ एटी पुणी थरे कथा उठुची जे ए जो हॉलमार्किंग सिस्टमटा 2019 रु आरंभ होइतिला, किंतु तापरे कोरोना महामारी जोगु ए हॉलमार्किंग करिवार दिन जो धार्य होइची सेटा आस्ते आस्ते गुंचिकी वर्तमान पे आज ठारु ए हॉलमार्किंग मार्किंग बाध्यतामूलक होइची। आउ वर्तमान जदि कहिबा उपभोक्ताक कथा, एडी कथा उठुची उपभोक्ता माने वर्तमान पर्यंत आमे देख जानिचे जे भारत रे बहुत लोक अच्छा जो मैंने सुना व्यवहार करती, भारत में सुना आमदानी बहुत हुए, तेणु वर्तमान समय जदि यही विशुद्धता प्रमाणित सर्टिफिकेट सुना उपरे मिलुची, आपण अलंकार कथा कहतु बा सुनार कौन कलाकृति कथा कहतु ताऊपर जदि गोटे सर्टिफिकेशन मिलुची जहाँ कि तार विशुद्धता की प्रमाण करुची, ताल निश्चय भाव में कहींपर यहाँ उपभोक्ता बा कंज्यूमर मानक एटा गोटे भल जिनस हम जे से सुनार विशुद्धता को देखी ताको किनी परिबे। आउ वर्तमान पई कि आग को जदि आसुची जेमती कि आमर साधारण दर्शक माने जो माने देखुथिबे जेपरि कि समस्तनक पाखरे किछि ना किछि सुनार गहना रही अछि, त सब निश्चय भाबरे आग को जाई कि ए नै कोन सरकारकर गाइडलाइन रहइबो
एटा को मु टिके क्लियर करबा को चाहूची जदी आपनको पाखरे कोनोसी प्रकार सुना गणा आछि जोडा कि हॉलमार्क नुहे जेपर कि नॉर्मली मु कहली भारत रे बहुत सुना गणा आछि ओनली 30% सुना गणा रो हॉलमार्किंग हेतिला चुनो आउ जो माने बाकी रही गले बा पूर्वरो आम पाखरे जो सुना थिला वर्तमान पई एहा को नै सरकार जो गाइडलाइन जारी करचंती ताको बहुत सुविधा आ सहज करचंती मध्य उपभोक्ता माननको पई जदी आपनको पाखरे बिना हॉलमार्क रो गहना अच्छी बा कोनोसी प्रकार सुनार जिनस अच्छी ताले आपन निश्चय भाबरे ज्वेलर पाखु जाई परिबे आ ताको ज्वेलर मानको गाइडलाइन जारी हेछि से माने एई सुना जिनस को बा गहना को पुणी बैक करके निज पाखु नेई परिबा से माने हॉलमार्किंग करके किछि दिन भितरे देई परिबे आ जदी आपन कहि परंती एपरि किछि क्षेत्र रे याकु चेंज करके बा तरल हे कि सुनार अन्य जिनस तयारी करा जाई परिबो आ उपभोक्ता मानको फेरै दिया जाई परिबो ए नै निश्चय भाबरे एटा सरकार जो नियम करचंती ताको कड़ाकड़ी भाव में पालन करा जिबो आ निश्चय कहीपर जमीक साधारण उपभोक्ता जदि कहीपर कौन जगह ठकईर शिकार हो जाते सुना गहना क्षेत्र में बर्तमान पर हॉलमार्किंग है विशुद्धता प्रमाण सर्टिफिकेट पाइला निश्चय भाव में यही साधारण प्रकार जो ठकई होता बहुत लक्ष लक्ष टा टकर ठकई होता सुना गहना उपटा निश्चय भाव में गोटे भल हो पारे आमर उपभोक्ता मैंने बची पारे आश्व बजार जमी मुझी सुनार गोल्ड रो क्रेडिबिलिटीटा रही इंडिया यहाँ विश्व बजार बहुत ना कर बर्तमान पर हॉलमार्किंग है एक्सपोर्ट कर विश्व बजार निश्चिंत भाव में विश्वसनीय भाव में यार हॉलमार्किंग सर्टिफिकेशन आपको विश्व बजार निश्चित भाव में ना मिल माधुरी बहुत बहुत धन्यवाद आम सहित न्यूज रूम में मो सहयोगी जोड़े रही थे निहारिकी आनंद कि वर्तमान पक्षर जो सरकार पक्ष निष्पत्ति निजाई ता आगामी दिन में जमापड़े देशवासी उपभोक्ता के स्वागत योग्य पदक्षेप आसा परवर्त खबर को ब्लू इकोनोमिक नील अर्थनीति एवं बनवाक जाऊँच भारत अर्थनैतिक शक्ति यार अर्थ प्राकृतिक भाव में देश को मिलता नील समुद्र को उपयोग कर किपरी देशर अर्थनीति को दृढ़ करहब तार व्यवस्था कर बाबद एक योजना को अनुमोदन देखिए केन्द्र कैबिनेट मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस भू विज्ञान मंत्रालय पक्षर डीप ओशियन मिशन गभीर समुद्र मिशन नाम एक कार्यक्रम को अनुमोदन कर गभीर समुद्र भितर विभिन्न प्राकृतिक संबल किपर उत्तोलन तथा उपयोग कर संपर्कित टेक्नोलोजी को किपर उन्नत करशन ए बाबद एक प्रेस मिट्रे जन केन्द्र सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर यहाद्वारा ओडिशा मध्य उपकृत होबोली स्पष्ट सूचना मिलछे। टुडे कैबिनेट अप्रूव्ड डीप ओशन मिशन दिस विल सपोर्ट ब्लू इकोनॉमी द मेन फीचर्स ऑफ दैट आर मिनरल स्टडी 6000 मीटर्स डीप इन सी The changes, if any, to be noticed because of climate change, to study more deep sea biodiversity, there will be deep sea ocean survey, there will be advanced marine station for ocean biology, and there will also be offshore ocean thermal energy part of mission. So this all will help new emerging sectors in startups because this technology is not available in market. It's with limited 5 countries, US, Russia, France, Japan, China. India will be now 6th country to have it. And so there is good opportunity for our own small industries and research. And more importantly, this is also our travel in the vision of Atmanirbhar Bharat. Samay sarichu bulletin koi thi rakhu chu. Namaskar.